हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले क्लास में आपको याद होगा तो ये चार चीज़ पढ़े थे। ठीक है, मैं एक बार दिखाता हूँ आपको सही तरीके से। ठीक है, हमने ये चार चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है। ठीक है, अगर आप वो क्लास देखें तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा पूरा थ्योरेटिकल पार्ट उसका क्या था। मैं आपको एक बार फिर से वही बता देता हूँ। क्रॉप पीरियड क्या होता है कि फसल के बोने से फसल के काटने तक का समय को क्या अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप पीरियड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही बेस पीरियड फसल के बोने के बाद पहला वाटरिंग से फसल काटने से पहले लास्ट वाटरिंग तक, अब उसके समय को अपन क्या बोलते हैं, बेस पीरियड बोलते हैं। ठीक है, मतलब पानी का समय दिनों में, बेस पीरियड का जो यूनिट होता है वो कितना होता है, दिन में होता है, मतलब डेज में होता है। बेस पीरियड हमेशा किस में नापा जाएगा कि डेज में। जैसे क्रॉप पीरियड कितना होता है आपका, क्रॉप पीरियड को भी अपन डेज में नापते हैं। क्रॉप पीरियड आप समझ सकते हैं, अगर आपका कोई क्रॉप 30 दिन में उगता है तो वैसे ही बेस पीरियड भी उसका कुछ दिनों में होगा कि अपन उसमें 25 दिन तक पानी दिए, तो उस प्रकार से अपन इस चीज़ को समझ सकते हैं। वैसे ड्यूटी उस खेत को, उस क्रॉप को कितना पानी लग रहा है, कितना क्यूमिक मीटर पानी लग रहा है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उस खेत की, उस क्रॉप की ड्यूटी कहते हैं। वैसे ही डेल्टा, अगर आपके क्रॉप को कितना डेप्थ ऑफ वाटर लग रहा है उसे उस क्रॉप का डेल्टा कहा जाता है। सिंपल सा तरीका है ये। ठीक है, क्रॉप पीरियड क्या होता है, फसल के उगने से फसल के काटने तक का समय को अपन क्या बोलते हैं, बेस क्रॉप पीरियड बोलते हैं। वैसे बेस पीरियड फर्स्ट वाटरिंग टू लास्ट वाटरिंग इज कॉल्ड बेस पीरियड, बिफोर हार्वेस्टिंग ड्यूटी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेट एन एरिया, ठीक है, इरिगेट एन एरिया इज कॉल्ड ड्यूटी। फिर डेल्टा क्या होता है, उस डेल्टा क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर, उस क्रॉप को कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए उसे अपन क्या कह सकते हैं, डेल्टा कह सकते हैं। तो हमने पिछले क्लास में बताया था आपको कि नेक्स्ट क्लास में अपन ड्यूटी एंड डेल्टा के बीच क्या पता करेंगे, रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच। ठीक है, ड्यूटी एंड डेल्टा के बीच अपन रिलेशन निकालने वाले हैं, उस रिलेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं, देखिए यहाँ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आपको अभी एक इमेज दिख रहा होगा, रिलेशनशिप बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा, ये थोड़ा ब्लर टाइप का है क्योंकि इसकी क्वालिटी ही खराब है। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा में तीन चीज़ हमें जानने लायक है कि डी क्या है, डेल्टा क्या है, बी क्या है। डी क्या है, ड्यूटी इन हेक्टेयर्स पर क्यूमेक। ठीक है, डी क्या है, ड्यूटी इन किस में, हेक्टेयर्स पर क्यूमेक में। डेल्टा है आपका टोटल डेप्थ ऑफ वाटर सप्लाइड इन मीटर्स, ये मीटर में भी निकाल सकते हैं और अपन सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आपका बी क्या है, बेस पीरियड इन डेज। ठीक है, क्या है वो, बेस पीरियड मतलब अपन टोटल वाटरिंग निकालेंगे, वाटरिंग मतलब कितने दिनों तक अपन पानी हमारे क्रॉप को दिए हैं, हमारे खेत को दिए हैं, वो अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा ये रिलेशन है, बाकी बुक में आप देखेंगे तो ये रिलेशन थोड़ा उटपटांग टाइप दिया रहता है, उतना सही तरीके से क्लियर नहीं रहता है। ठीक है, चीज़ वही हो रहा है बस उतना उसको क्लियर नहीं किया रहता, लेकिन इस बुक में बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझाया है, तो अपन इस बुक से अपन पढ़ेंगे, बीसी फोनेमा का बुक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसमें दो इक्वेशन लेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले इक्वेशन में ये क्या बोल रहा है उसे एक बार समझ के देखते हैं। इफ़ वी टेक अ फील्ड ऑफ एरिया डी हेक्टेयर, अपन हम लोग क्या ले रहे हैं, अभी एक एरिया ले रहे हैं, वो कितने हेक्टेयर का है, डी हेक्टेयर का है। उस एरिया में हम कितना वाटर सप्लाई करेंगे देखते हैं। वाटर सप्लाई टू द फील्ड कोरस्पॉन्डिंग टू डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा मीटर्स विल बी, मतलब किसी एरिया में, किसी एरिया मतलब किसी डी हेक्टेयर एरिया में हम कितना डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करने वाले हैं उसी को अपन कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल सा डेल्टा इंटू डी के द्वारा। ठीक है, मतलब किसी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंपल आप क्या कर रहे हैं, कितना हेक्टेयर है और कितना डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करना है, इसको बस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या आ जाएगा, डेल्टा इंटू डी हेक्टेयर पर मीटर। क्लियर यहाँ तक का, सिंपल से यहाँ पे बताया गया था। इफ़ वी टेक अ फील्ड ऑफ एरिया डी हेक्टेयर, वाटर सप्लाई टू द फील्ड कोरस्पॉन्डिंग टू द वाटर डेप्थ डेल्टा मीटर विल बी डेल्टा इंटू डी हेक्टेयर मीटर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 हेक्टेयर मीटर इज इक्वल टू होता है 10^4 क्यूबिक मीटर, मतलब अभी हम इस हेक्टेयर पर मीटर को किसमें कन्वर्ट करने वाले हैं, क्यूबिक पर मीटर में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल इसमें 10^5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा डी इज इक्वल टू डेल्टा इंटू 10^4 क्यूबिक मीटर्स। अभी हम निकालें एक इक्वेशन, वैसे ही अपन सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन बोल रहे हैं, अगेन फॉर द सेम फील्ड ऑफ डी हेक्टेयर 1 क्यूमिक ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू फ्लो ड्यूरिंग द एंटायर बेस पीरियड, हैंस वाटर सप्लाई टू दिस फील्ड। यहां पे आप देखेंगे सिंपल सा चीज है, क्या बोला है यहां पे, 1 क्यूमिक ऑफ वाटर हमें प्रोवाइड करना है, क्या 1 क्यूमिक मीटर, मतलब क्यूमिक अपन क्या और क्या बोल सकते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड, इसे अपन क्या बोलते हैं, क्यूमिक बोलते हैं आसान भाषा में।
ठीक है, तो 1 क्यूबिक वाटर 1 मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो यहाँ पे आपका मीटर क्यूब पर सेकंड है, ये इसमें सेकंड में है। हमें अभी आपको जो बेस पीरियड आपको मैं बताया ऊपर में कि बेस पीरियड किसमें होता है, डेज में, तो इस सेकंड को मुझे डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ अपन देख रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं उसी डी हेक्टेयर एरिया में हमें 1 क्यूमेक हमको क्या करना है, 1 क्यूमेक ऑफ वाटर प्रोवाइड करना है किसी बी डेज में, ठीक है। तो उसी को अपन यहाँ पर इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू बी डेज, इतना कर दिए। फिर यहाँ पे आपका समझना है अभी क्या बोल रहा हूँ, 1 मीटर क्यूब इंटू बी डेज, तो मीटर क्यूब पर सेकंड है, उस सेकंड को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, डेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसे डेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है, सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, एक सेकंड मतलब 60 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही उस मिनट को अपन किसमें करना है, उसको आवर्स में करना है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा। तो यही पे इसलिए चीज़ लिखा हुआ है, 60 इंटू 60, 60 सेकेंड है और 60 मिनट है। फिर 24 आवर करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेज में आ जाएगा हमारा, क्योंकि 24 घंटे बराबर कितना होता है, 1 दिन होता है। तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, आपका इस वैल्यू को जो सेकेंड में जो यहाँ पे यूनिट था उसे हम चेंज कर दिए, किसमें, आपका डेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। इतना करने के बाद अगर आपको वैसे 2 इक्वेशन आ जाता है, इस 2 इक्वेशन को सिंपल सा इक्वेट करना है, ठीक है, हमको क्या करना है, इससे इक्वेट करना है, ठीक है। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी इंटू डेल्टा इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू बीटा इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। यहां से हमको निकालना है किसकी वैल्यू, डी की वैल्यू निकालनी है, किसकी, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे अपन डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.64 बीटा इंटू डी, ये किसमें, आपका मीटर्स में है। अगर मीटर्स को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, बताओ क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से आपका, तो कितना कितने में आ जाएगा आपका, ये आंसर कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी डिवाइडेड बाई डी इन सेंटीमीटर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं जैसे कि, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक मीटर में निकाला है, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी इंटू डी, इसमें अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी बाई डी इन सेंटीमीटर। तो ये प्रकार से अपन क्या निकाल सकते हैं, आपका डेल्टा की वैल्यू आ गई। और अगर आपकी डेल्टा की वैल्यू आ जाती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी तो अपन क्या निकाल लेंगे, डेप्थ ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखना कैसे पूछता है, बस अभी समझ जा, फिर अपन क्वेश्चन करके देखेंगे कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में उस क्रॉप का बेस पीरियड दे दिया है और ड्यूटी दे दिया है, तो वो पूछेगा क्या कि डेप्थ ऑफ वाटर कितना लगने वाला है। तो सिंपल, बेस पीरियड पता है, ड्यूटी पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, उसका डेल्टा निकाल सकते हैं। डेल्टा क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहाँ से आप डेल्टा निकाल सकते हैं अगर आपको बेस पीरियड ड्यूटी दी है, और यदि आपको डेप्थ ऑफ वाटर और ड्यूटी दी है तो उस क्रॉप का आप बेस पीरियड निकाल सकते हैं कि हमने उस खेत को कितने दिनों तक पानी दिया है। वो यहाँ पे आ जाएगा कब, जब आपको डेल्टा और यहाँ पे ड्यूटी पता होगी। और फिर यहाँ पे एक बार देखते हैं, अगर आपको डेल्टा पता है और बेस पीरियड पता है बी, तो आप उस खेत का ड्यूटी निकाल सकते हैं, ठीक है। ड्यूटी मतलब कितना हेक्टेयर मीटर में उस खेत को इरिगेट किया गया है। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को अपन इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन के सहारे, ठीक है। सिंपल सा इक्वेशन है, इसे बस लगाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 4 स्क्वायर मीटर, और 1 क्यूबिक पर डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8.64 हेक्टेयर पर मीटर, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिख रहा है, हाई डेंसिटी एंड लो डेंस लो ड्यूटी हाई ड्यूटी एंड लो ड्यूटी। जैसे कि अभी हमने पढ़ा ड्यूटी क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है किसी खेत को, किसी क्रॉप को कितना हम पानी दे रहे हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उस खेत की ड्यूटी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन में था। तो यहाँ पे आपका हाई ड्यूटी है और लो ड्यूटी है, तो हाई ड्यूटी और लो ड्यूटी को अपन डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपका सही तरीके से डिफाइन नहीं किया है, तो इसका सही डेफिनेशन मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो हाई ड्यूटी क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, पढ़ के देखते हैं। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मैच्योर्स कंपैरेटिवली लार्ज एरिया ऑफ अ क्रॉप द ड्यूटी इज सेड टू बी हाई। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है हाई ड्यूटी, अपन किसी हाई ड्यूटी हम कब बोलेंगे, अगर कम क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा क्षेत्र के खेतों को इरिगेट कर पाता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, हाई ड्यूटी बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का क्या हो रहा है, अगर आपका कम क्वांटिटी में वाटर मतलब कम पानी ज़्यादा
इरीगेट कर पा रहा है, ज़्यादा खेतों को पानी दे पा रहा है, ज़्यादा खेत उससे उग पा रहे हैं, मैच्योर हो पा रहे हैं, ग्रो कर पा रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाई ड्यूटी बोलते हैं। सेम टू सेम इसका अपोजिट लो ड्यूटी होता है, मतलब अगर अपन ज़्यादा पानी देंगे और उस ज़्यादा पानी से कम खेत हमारा ग्रो कर रहा है, कम हमारा फसल जो क्रॉप है वो ग्रो करेगा, तो अपन इसे क्या बोल सकते हैं, इसे लो ड्यूटी बोल सकते हैं। क्लियर है, सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर आपका स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मैच्योर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया इज कॉल्ड हाई ड्यूटी, और आपका अगर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मैच्योर्स लो स्मॉल एरिया इज कॉल्ड आपका लो ड्यूटी। क्लियर यहां तक का, सिंपल सा चीज है। व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर मैच्योर्स कंपैरेटिवली लार्ज एरिया अंडर अ क्रॉप द ड्यूटी इज सेड टू बी हाई एंड लो ड्यूटी। व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मैच्योर्स कंपैरेटिवली स्मॉल एरिया अंडर अ क्रॉप द ड्यूटी इज सेड टू बी लो। क्लियर यहां तक का, यहां पे इंग्लिश लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में समझा दिया, हिंदी में कैसे लिख सकते हैं इसको अपन हाई ड्यूटी को। अगर कम क्वांटिटी वाटर मतलब कम पानी ज़्यादा क्षेत्र को इरीगेट कर पा रहा है या ज़्यादा क्षेत्र के खेतों को वो ग्रो कर पा रहा है, तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, हाई ड्यूटी बोल सकते हैं। वैसे ही लो ड्यूटी, अगर ज़्यादा पानी, ठीक है, अगर ज़्यादा पानी कम क्षेत्र के फसल को ग्रो कर पाएगा, ठीक है, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, या कम क्षेत्र के फसल को वो इरीगेट कर पाएगा, तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, लो ड्यूटी बोल सकते हैं। क्लियर यहाँ तक का। तो ये था आपका हाई ड्यूटी एंड लो ड्यूटी। इसके बाद देखते हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ग्रॉस कमांडेड एरिया और कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में आता है, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है ये कि ग्रॉस कमांडेड एरिया GCA या CCA क्रॉस कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है। तो ग्रॉस कमांडेड एरिया मैं आपको एक बार समझा के देखता हूँ, आप समझिए इस चीज़ को। ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या होता है, अगर कोई केनाल कितने क्षेत्र के खेतों को पानी दे पा रहा है, तो उस क्षेत्र के टोटल एरिया को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस कमांडेड एरिया बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक का, क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंपल समझो, अगर कोई एक केनाल, जैसे कि जांजगीर का केनाल आप देखिए, हैं जांजगीर में जो एक केनाल बहता है फुल फ्लो में बहता है, वो आपका मेन केनाल हमेशा वो फुल रहता है, तो वैसा केनाल, वो केनाल कितने क्षेत्र के खेतों को पानी दे पा रहा है, कितने क्षेत्र के खेतों को क्या कर पा रहा है, वो इरिगेट कर पा रहा है, तो वो क्षेत्र पूरा एरिया, टोटल एरिया जो रहेगा वही क्या रहेगा, आपका ग्रॉस कमांडेड एरिया कहलाएगा। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे यहाँ पे द ग्रॉस, यहाँ पे देखना, नीचे से देखना जहाँ पे आपका कोष्ठक बनाया हुआ हूँ मैं, द ग्रॉस कमांडेड एरिया इज दस द टोटल एरिया लाइंग बिटवीन द ड्रेनेज बाउंड्रीज विच कैन बी कमांडेड और इरीगेटेड बाई अ कैनाल सिस्टम। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड ग्रॉस कमांडेड एरिया। क्लियर यहाँ तक का, अगर कोई कैनाल आपका कितने क्षेत्र में पानी दे पा रहा है, कितने खेतों को पानी दे पा रहा है, उस टोटल एरिया को अपन क्या बोलते हैं, ग्रॉस कमांडेड एरिया। तो यहाँ पे ये चीज़ है, ग्रॉस कमांडेड एरिया। ठीक है, ऊपर का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीचे बस आप पढ़ सकते हैं, नीचे में बहुत इसको डिफाइन कर चुका है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रॉस कमांडेड एरिया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिख रहा है आप लोगों को, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, ग्रॉस कमांडेड एरिया यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करना ग्रॉस कमांडेड एरिया को, फिर आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है मैं आपको एक बार समझाता हूँ। कल्चरेबल कमांडेड एरिया, सिंपल नाम पढ़ो से क्या लिख रहा है, कल्चरेबल कमांडेड एरिया मतलब जो एरिया कल्चरेबल हो, मतलब जिस एरिया में आपका फसल ग्रो कर रहा है, जितने एरिया में अगर आपका फसल ग्रो करेगा, मतलब जिस एरिया में आपका फसल उगेगा, उस एरिया को अपन टोटल काउंट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहलाएगा। जैसे कि आपका कोई खेत है, उस खेत में अगर पूरा जो ग्रो नहीं कर पा रहा है, कुछ हिस्सा ग्रो कर पाता है सही तरीके से, कुछ हिस्सा सही तरीके से उग पाता है, और कुछ हिस्सा सही तरीके से उग नहीं पाता है, तो जितने भी क्षेत्र में, जितने भी आपका जो एरिया, जो जमीन है, उस जमीन में जो टोटल जो उगा नहीं है, ठीक है, जितना मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं इस चीज़ को, जितना क्षेत्र पे, जितना एरिया पे आपका फसल ग्रो किया है, उस ग्रो वाले एरिया को अगर अपन पूरा प्लस करेंगे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहते हैं। ठीक है, मतलब आपका जो नॉन कल्चरेबल एरिया को आप टोटल एरिया से माइनस करोगे, तो आपको कल्चरेबल एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो इसे यहाँ पे वैसे लिखा हुआ देखेंगे, यहाँ पे द ग्रॉस कमांडेड एरिया ऑल्सो कंटेन्स अनफर्टाइल बैरन लैंड, एल्कलाइन सॉइल, लोकल पॉन्ड्स, विलेज एंड अदर एरियाज एज हैबिटेशन। दिस एरिया इज नोन एज अनकल्चरेबल एरिया। द रिमेनिंग एरिया ऑन विच क्रॉप कैन बी सेटिस्फैक्ट्री इज नोन एज अ कल्चरेबल कमांडेड एरिया। मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे आपके फसल ग्रो कर पा रहे हैं, उसे अपन कौन सा एरिया बोलते हैं, कल्चरेबल कमांडेड एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रॉस कमांडेड एरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ग्रॉस कमांडेड एरिया इज इक्वल टू कल्चरेबल कमांडेड एरिया प्लस अनकल्चरेबल कमांडेड एरिया। क्योंकि ग्रॉस कमांडेड एरिया में टोटल एरिया रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रॉस कमांडेड एरिया क्या कहलाता है, किसे कहते हैं ग्रॉस कमांडेड एरिया,
एक कैनाल सिस्टम किसी कितने क्षेत्र के, मतलब टोटल कितना एरिया में वो इरिगेट कर पा रहा है, मतलब कितने एरिया को वो पानी प्रोवाइड कर पा रहा है, उस टोटल एरिया को अगर निकालेंगे तो वही क्या कहलाएगा आपका, ग्रॉस कमांडेड एरिया कहलाएगा। तो ये चीज़ होगा GCA और CCA। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में ये पूछ सकता है कि ग्रॉस कमांडेड एरिया और आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या कहला क्या होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं इस चीज़ को। तो ये हो गया आपका क्या, ग्रॉस कमांडेड एरिया और कल्चरेबल कमांडेड एरिया। यहाँ पे नीचे और दिया हुआ है कि कल्चरेबल कमांडेड एरिया को दो प्रकार से बांटा जा सकता है कि कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया और कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। तो मतलब जिस एरिया पे आपका खेत ग्रो करेगा, जिस एरिया में आपका फसल ग्रो करता है, फसल सही तरीके से उग पाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया बोलते हैं। और जिस क्षेत्र पर आपका फसल सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता, उसे हम क्या बोलते हैं, कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ द एरिया इन विच क्रॉप इज ग्रोन एट अ पर्टिकुलर टाइम और क्रॉप सीजन, उसे अपन क्या बोलेंगे, कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया होगा। यहाँ पे की पॉइंट लिखा है ग्रोन एट, ठीक है, ग्रोन एट अ पर्टिकुलर क्रॉप सीजन इज कॉल्ड कल्चरेबल कल्टीवेटेड एरिया। वैसे अगर हम पढ़ेंगे कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया में, इट इज दैट एरिया इन विच क्रॉप इज नॉट सोन इन अ पर्टिकुलर सेशन, मतलब क्रॉप वहाँ पे नहीं उग पा रहा है। ठीक है, वहाँ पे आपका क्रॉप नहीं उग पा रहा है किसी पर्टिकुलर क्रॉप सेशन में, तो अपन क्या करेंगे, उसे क्या बोल सकते हैं, उसे कल्चरेबल अनकल्टीवेटेड एरिया कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ग्रॉस कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया एंड कल्चरेबल के कल्टीवेटेड और अनकल्टीवेटेड यहाँ पे कंप्लीट है। इसके बाद अपन न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, आप देखेंगे एग्जाम्पल 3.9, एग्जाम्पल 3.9 सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है। क्या पूछा है, सिंपल पढ़ो इस चीज़ को, सुनो और फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप इफ़ द ड्यूटी फॉर अ बेस पीरियड 110 डेज, ठीक है, 110 दिन है और 1400 हेक्टेयर पर क्यूमेक, मतलब इसको क्या दे दिया है, ड्यूटी दे दिया है। कितने ड्यूटी किसमें होता है आपका, हेक्टेयर पर क्यूमेक में होता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको क्या दे दिया, मैं आपको उस टाइम समझा रहा था, अगर आपको बेस पीरियड और ड्यूटी दे दिया है तो अपन डेल्टा निकाल सकते हैं। सिंपल यहाँ पर लिखेंगे बी इक्वल टू 110 डेज है, 110 दिन है और डी इक्वल टू 1400 हेक्टेयर पर क्यूमेक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या हमारा, 864 बी बाई डी इन सेंटीमीटर एंड 8.64 बी बाई डी इज इन मीटर। तो यहाँ पे आप सिंपल कर सकते हैं, या तो यहाँ पे सिंपल ज़्यादा से ज़्यादा अपन क्या करेंगे, 864 से मल्टीप्लाई कर दो तो सीधा सेंटीमीटर में आएगा, या 8.64 बी बाई डी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका मीटर में आएगा, मीटर को बाद में हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 8.64 बी बाई डी इस यहाँ पे पुट करेंगे, बी बेस प्लेट क्या आपका 110 दिन है और डी क्या है आपका हेक्टेयर पर मीटर में कितना इसमें 1400, बस मल्टीप्लाई कीजिए और कितना आंसर आ जाएगा आपका, 0.68 मीटर, मतलब 68 सेंटीमीटर वहाँ पे टोटल डेप्थ ऑफ वाटर हमको प्रोवाइड करना है। क्लियर, यहाँ तक का सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बेस पीरियड दिया है और यहाँ पे आपको ड्यूटी दिया है, तो अपन डेल्टा निकाल सकते हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 3.10 देखना है यहाँ पे, अ क्रॉप रिक्वायर्स अ टोटल डेप्थ ऑफ 92 सेंटीमीटर ऑफ वाटर फॉर बेस पीरियड ऑफ 120 डेज, फाइंड द ड्यूटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिए हैं, आपको टोटल डेप्थ ऑफ वाटर दे दिए है, मतलब डेल्टा आपको प्रोवाइडेड है एंड बेस पीरियड आपको प्रोवाइडेड है, कितना 120 डेज। हमको निकालना है ड्यूटी, ड्यूटी किसमें होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका सिंपल डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 8.64 बी बाई डी, तो डेल्टा को नीचे फेंको और आपका जो ड्यूटी को ऊपर यहाँ पे डाल दो, लेफ्ट साइड में डाल दो, तो क्या हो जाएगा आपका, ड्यूटी इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डेल्टा। बस यहाँ पे पुट करना है आपको आंसर, जो 92 सेंटीमीटर है उसको अपन क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, अगर अपन मीटर में निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका 8.64 बीटा कितना है, आपका बी क्या है, बेस पर कितना है, 120 डेज है एंड डेल्टा है 0.92 मीटर। तो यहाँ पे आपको टोटल आ जाएगा कितना, 1127 हेक्टेयर पर क्यूमेक। आप सोच देख रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर ये आपका एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है, मे भी तो नहीं आएगा, लेकिन आ भी जाता है, अपन इसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं अगर आपको रिलेशन पता है। तो एग्जाम में सीधा पूछता भी है कि ड्यूटी एंड डेल्टा में रिलेशन क्या होता है बताइए, और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो दो चीज़ पूछ देता है उसमें, रिलेशन भी पूछ देगा और एक छोटा सा क्वेश्चन भी पूछ देगा, तो अपन आसान तरीके से इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हैवी क्वेश्चन देखते हैं, ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है 3.11, ये थ्योरेटिकल पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरी पढ़ो और आपका आंसर निकल जाएगा, मैं पढ़ के दिखाता हूँ आप लोगों को, एक क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, 3.11 आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे इस चीज़ को।
ठीक है पढ़िए यहाँ पे 3.1 में क्या लिखा हुआ है, एन इरिगेशन कैनाल हैज ग्रॉस कमांडेड एरिया 80,000 हेक्टेयर 80,000 हेक्टेयर आउट ऑफ विच 85% इज कल्चरेबल इरिगेबल। इस लाइन को बस समझिए कि हमें क्या दे दिया है, टोटल ग्रॉस कमांडेड एरिया दे दिया है कितना 80,000 हेक्टेयर, उसमें से सिर्फ 85% भागों में बस कल्चरेबल इरिगेबल है, मतलब 85% भाग में बस आपका ग्रो होता है फसल, ठीक है, बाकी के जो इसमें 15% है वहाँ पर ग्रो नहीं होते हैं। तो यहां पे आपको इतना चल गया पता, 80,000 हेक्टेयर में 85% आपका जो एरिया है वो क्या है आपका कल्चरेबल एरिया है, मतलब उस एरिया पे आपका फसल उगता है। आगे देखेंगे द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन फॉर खरीफ सीजन इज 30%, जो 85% हम यहां पे एरिया निकालने वाले हैं 80,000 हेक्टेयर का, वहां का उसमें से 30% जो एरिया है वहां पे अपन खरीफ फसल उगाते हैं और उसके 60% एरिया में हम यहां पे रबी फसल उगाते हैं। आगे देखेंगे फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द कैनाल इफ द ड्यूटी एट इट्स हेड इज 800 हेक्टेयर फॉर खरीफ सीजन और 1700 हेक्टेयर फॉर रबी सीजन। तो ये आपको दे दिया, हमको निकालना है क्या डिस्चार्ज, तो देखेंगे डिस्चार्ज कैसे निकाल सकते हैं अपन। यहाँ पे आप देखना नीचे देखेंगे यहाँ से कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना दे दिया यहाँ पे, कल्चरेबल इरिगेबल एरिया टोटल था 80,000 हेक्टेयर, हम लोग क्या कहने देखो ग्रॉस कमांडेड एरिया दिया है इसमें कितना दिया है, ग्रॉस कमांडेड एरिया दिया है 80,000 हेक्टेयर 80,000 हेक्टेयर दिया गया है, हमको निकालना है कल्चरेबल कमांडेड एरिया या कल्चरेबल इरिगेबल एरिया। तो टोटल हेक्टेयर एरिया में 85% का मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 इज इक्वल टू 68,000 हेक्टेयर, मतलब आपका 68,000 हेक्टेयर जो एरिया है उस क्षेत्र में बस आपकी खेती हो रही है सही तरीके से, उस क्षेत्र पे आपका सही तरीके से फसल ग्रो कर रहा है, ठीक है। इसमें से इस 68,000 में आपका 30% एरिया में क्या उगा रहे थे अपन, खरीफ फसल उगा रहे थे और आपका 60% एरिया पे अपन क्या उगा रहे थे यहाँ पे रबी फसल यहाँ पे उगा रहे थे। तो वही देखेंगे एरिया अंडर आपका खरीफ सीजन इट 68,000 इनटू 30% इक्वल टू क्या हो जाएगा 20,400 हेक्टेयर, वैसे ही एरिया अंडर रबी सीजन 68,000 में 60% भागों में क्या उगाया जा रहा है हम लोग आपका रबी फसल उगा रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे तो 68,000 का अगर आप 60% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 40,800 हेक्टेयर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या आ गया, दोनों का एरिया खरीफ सीजन का एरिया आ गया है और रबी सीजन का एरिया आ गया है, और आपको खरीफ सीजन का क्या दे दिया है ड्यूटी दे दिया है, ठीक है, क्या दे दिया है यहाँ पे ड्यूटी दे दिया है और आपको खरीफ रबी सीजन का भी यहाँ पे ड्यूटी मिल गया है। तो बस आपको करना क्या है इस एरिया से ड्यूटी को हम डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे डिस्चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सीधा नीचे देखो नीचे क्या दिया हुआ है, वाटर रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द कैनाल इरिगेट द लैंड खरीफ सीजन, हमको निकालना था मेन एरिया कि खरीफ सीजन में कितना एरिया यूज़ हो रहा है और रबी फसल में रबी क्षेत्र में कितना एरिया यूज़ हो रहा है। तो एरिया निकाल लिया अपन खरीफ के लिए 20,400 हेक्टेयर डिवाइडेड बाई 800, यहाँ पे आपको क्या दिया था 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक यहाँ पे आपको ड्यूटी दिया था, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हेक्टेयर हेक्टेयर कट जाएगा बचेगा क्या क्यूमेक में, तो यहाँ पे आ गया 25.5 क्यूमेक, मतलब खरीफ सीजन के लिए कितना क्यूमेक वाटर लगेगा कितना डिस्चार्ज यहाँ पे 25.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। वैसे पर निकालेंगे वाटर रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ द कैनाल एट टू इरीगेट एंड लैंड अंडर द रबी सीजन, मतलब रबी फसल के लिए रबी जो रबी सीजन के लिए अपन कितना डिस्चार्ज निकाल सकते हैं 40,800 इसका एरिया निकाले अपन, ठीक है, 40,800 से 1700 को डिवाइड करेंगे क्योंकि 1700 यहाँ पे ड्यूटी दिया हुआ है, ठीक है, 1700 यहाँ पे ड्यूटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हेक्टेयर हेक्टेयर कट जाएगा बचेगा क्या क्यूमैक, मतलब मीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 क्यूमैक, मतलब 24 मीटर क्यूब पर सेकंड, मतलब आपको यहाँ पे चल गया दोनों का डिस्चार्ज, खरीफ सीजन का भी डिस्चार्ज चल गया पता कितना 25.5 मीटर क्यूब पर सेकंड और रबी सीजन का 24 मीटर क्यूब पर सेकंड यहाँ पे हमको डिस्चार्ज मिल गया। बस क्वेश्चन यही था, आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा सही तरीके से, ये थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ोगे तो आधा क्वेश्चन यहीं पे बन जाएगा, ठीक है, ये अपने को थ्योरेटिकल पार्ट पूरा सही तरीके से पढ़ना है कि क्या बोल रहा है, 80,000 ग्रॉस कमांडेड एरिया है, इसमें से 85% एरिया कल्चरेबल है, उस कल्चरेबल एरिया का 30% भाग में खरीफ फसल उगाते हैं और उसी कल्चरेबल एरिया के 60% भागों में हम लोग क्या निकालते हैं रबी फसल उगाते हैं, ठीक है। उसी में से जो 30% एरिया आएगा उस एरिया में अपन कितना ड्यूटी दे रहे हैं, कितना वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक प्रोवाइड कर रहे हैं खरीफ सीजन में, वैसे ही अपन जो आपका रबी सीजन है रबी सीजन के 60% कल्चरेबल कमांडेड एरिया में हम लोग 1700 हेक्टेयर पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमको निकालना था क्या डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज हमने यहाँ पे निकाल लिया सही तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना ऐसा ही टाइप का है सिंपल छोटा सा,
देखेंगे यहाँ पे 3.12 एग्जांपल 3.12 देखेंगे। अ वाटर कोर्स हैज कल्चरेबल कमांडेड एरिया ऑफ 2600 हेक्टेयर आउट ऑफ विच द इंटेंसिटीज ऑफ इरीगेशन फॉर पर्सनल शुगर कैन एंड राइस क्रॉप आर 20% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे टोटल कल्चरेबल कमांडेड एरिया दे दिया है कितना 2600 हेक्टेयर दे दिया हेक्टेयर, मतलब यहाँ पे ग्रॉस जीसीए नहीं दिया, क्या दे दिया यहाँ पे सिंपल कल्चरेबल कमांडेड एरिया दे दिया 2600 हेक्टेयर। इस 2600 हेक्टेयर में 20% भागों में शुगर कैन उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है, और इस 2600 हेक्टेयर के 40% भागों में हम राइस उगाते हैं, चावल आपका धान की खेती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते आगे पढ़ेंगे द ड्यूटी फॉर दिस क्रॉप एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स आर 750 हेक्टेयर एंड 1800 हेक्टेयर क्यूमिक रिस्पेक्टिवली। मतलब 750 हेक्टेयर पर क्यूमिक किसके लिए लग रहा है, शुगर कैन के लिए पानी लग रहा है, ड्यूटी है इसकी, और 1800 हेक्टेयर पर क्यूमिक आपकी राइस के लिए हमें ड्यूटी दे दी गई है। हमको निकालना क्या है, फाइंड द डिस्चार्ज रिक्वायर्ड एट द हेड ऑफ वाटर कोर्स इफ द पिक डिमांड इज 120% ऑफ द एवरेज रिक्वायर्ड। ठीक है, हमको मेन निकालना है यहां पे डिस्चार्ज। जैसे ऊपर हमने डिस्चार्ज निकाला सिंपल एरिया डिवाइडेड बाय ड्यूटी, ठीक है, जो वहां पे एरिया अपन टोटल निकाले, एरिया डिवाइड बाय ड्यूटी निकाले, तो हेक्टेयर हेक्टेयर कट गया और सिंपल आपकी क्यूमेक आ गया, डिस्चार्ज आ गया, तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे अपन। ठीक है, तो करके देखते हैं टोटल आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया कितना था, 2600 हेक्टेयर। ठीक है, यहाँ पे कितना दिया है, 2600 हेक्टेयर आपका कल्चरेबल कमांडेड एरिया है। इस 2600 हेक्टेयर में 20% 2600 का 20% भाग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 520 हेक्टेयर। ठीक है, 520 हेक्टेयर आ गया। इसके बाद अपन देखेंगे आपका एरिया अंडर राइस राइस। ठीक है, 2600 हेक्टेयर का 40% भाग आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1040 हेक्टेयर पार्ट में अपन क्या उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं। तो 520 हेक्टेयर में आप क्या करेंगे, 750 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका, इसका आपका क्या आ जाएगा, इसका डिस्चार्ज आएगा, वही यहाँ पे किया है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर शुगर के 520 बटे 750 कर दिया तो 0.694 मीटर क्यूब पर सेकंड यहाँ पे वैल्यू आ गई। वैसे ही वाटर रिक्वायर्ड फॉर राइस, टोटल एरिया डिवाइडेड बाय जो आपका राइस के लिए जो एरिया यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे डिवाइडेड बाय उसका ड्यूटी करेंगे तो क्या ड्यूटी किसकी है, 1040। राइस के लिए ड्यूटी कितना दिया गया है आपका, 1800 क्यूमिक दिया गया है, तो सिंपल आपका 1040 डिवाइडेड बाय 1800 करेंगे तो 0.578 आ जाएगा, क्यूमिक आ जाएगा। तो ये आ गया आपका शुगर कैन और राइस के लिए सिंपल सा आपका डिस्चार्ज निकाल लिया अपन। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि आगे देखेंगे, यहाँ पे आगे एक और क्वेश्चन पूछा था, ठीक है आगे देखते हैं, आगे ये पूछा है इसमें कि इफ़ द पिक डिमांड इज 120% ऑफ द एवरेज रिक्वायरमेंट। अगर हमें ये निकालना है, पिक निकालना है उस चीज़ का, मतलब ये तो हो गया कितना, 0.694 हो गया और 0.578, ये इसका टोटल निकालेंगे अपन पहले, फिर अगर उस एरिया पे अपन क्या करेंगे 120 मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 120% भाग निकालेंगे तो कितना डिस्चार्ज टोटल डिस्चार्ज आएगा, तो वो अपने को यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टोटल डिस्चार्ज निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे टोटल डिस्चार्ज दिख रहा होगा, दिख रहा है टोटल डिस्चार्ज ऑफ, प्लस कर दो दोनों को, इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, टोटल डिस्चार्ज आ जाएगा कितना, 1.272। इस 1.272 का आप 120% निकालेंगे तो वही क्या रहेगा हमारा, पिक डिमांड रहेगा कितना, 1.53 क्यूमिक हमें पानी लगने वाला है इस खेत के लिए, किसके लिए, शुगर केन और राइस के लिए हमें टोटल वाटर लगेगा कितना, 1.53 क्यूमिक, क्योंकि कुछ जो वाटर होते हैं वो लॉस हो जाते हैं तो हमें टोटल जो है यहाँ पे अपन जो वाटर हमारा 1.272 यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका एग्जांपल 3.12, क्लियर है यहाँ तक का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके जस्ट नीचे वाला एग्जांपल 3.13, इसमें क्या पूछ रहे हैं, द लेफ्ट ब्रांच कैनाल कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 20 क्यूमिक हैज कल्चरेबल कमांडेड एरिया। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया आपका, टोटल डिस्चार्ज दे दिया है एक ब्रांच कैनाल का, डिस्चार्ज कितना है 20 क्यूमेक्स है, हैज कल्चरेबल कमांडेड एरिया 20,000 हेक्टेयर एंड द इंटेंसिटी ऑफ रबी क्रॉप इज 80%। मतलब बात समझो फिर से, वही ऊपर वाली बात हो रही है यहाँ पे फिर से कि 20,000 हेक्टेयर में 80% भागों में क्या उगाया जा रहा है, रबी फसल उगाया जा रहा है, किसका, 20,000 कल्चरेबल कमांडेड एरिया में 80% भागों में क्या उगाया जा रहा है, आपका रबी क्रॉप उगाया जा रहा है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ठीक है आगे पढ़ेंगे, एंड द बेस पीरियड इज 120 डेज, उसी रबी क्रॉप का 120 डेज यहाँ पे बेस पीरियड दिया हुआ है। आगे देखेंगे, द राइट ब्रांच कैनाल कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 8 क्यूमिक हैज कल्चरेबल कमांडेड एरिया 12,000 हेक्टेयर इंटेंसिटी ऑफ रबी क्रॉप इज 50%। ठीक है, यहाँ पे भी आपका बेस पीरियड कितना दिया है, 120 डेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राइट कैनाल वाला राइट, वहाँ पे ऊपर अपन जो पढ़े वो क्या था, लेफ्ट ब्रांच कैनाल था, और जब नीचे पढ़ रहे हैं वो क्या है, राइट ब्रांच कैनाल है। तो राइट ब्रांच कैनाल में टोटल कल्चरेबल
टोटल कमांडेड एरिया कितना है, 12,000 हेक्टेयर है। इस 12,000 हेक्टेयर के 50% भागों में अपन रबी क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। कितने बेस पीरियड में, 120 दिन में। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ दिख रहा होगा, आगे देखते हैं दोनों का। 120 डेज बेस पीरियड है, हमको निकालना क्या है, कंपेयर द इफिशियंसी ऑफ टू कैनाल सिस्टम, ठीक है। हमको दोनों में से जो इनका मतलब कौन सा कंपेयर क्या निकालना है, इसका इफिशियंसी ऑफ टू कैनाल सिस्टम मतलब कौन सा कैनाल कितना ड्यूटी कर पा रहा है, अपनी ड्यूटी मतलब उसकी कितना पानी प्रोवाइड कर पा रहा है सही तरीके से कितने एरिया में, ठीक है। तो हमको निकालना है यहाँ पे किस कैनाल का ड्यूटी हाई है और किस कैनाल का ड्यूटी लो है। तो हमको हाई ड्यूटी यहाँ पे निकालना है, हाई ड्यूटी निकाल कर देखते हैं क्या चीज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार था, देख सकते हैं यहाँ पे, फॉर द लेफ्ट कैनाल देखेंगे, एरिया अंडर रबी क्रॉप 20,000 हेक्टेयर था, ठीक है। लेफ्ट कैनाल के लिए कल्चरेबल कमांडेड एरिया था 20,000 हेक्टेयर, उस 20,000 हेक्टेयर में 80% भागों में अपन क्या उगा रहे थे, रबी क्रॉप उगा रहे थे, इसलिए 20,000 का 80% निकालोगे तो 16,000 हेक्टेयर आ जाएगा और डिस्चार्ज साइज का 20 क्यूमेक, ठीक है। हमको निकालना क्या है, ड्यूटी, और ड्यूटी किस में होती है, हेक्टेयर पर क्यूमेक में होती है। तो सिंपल यहाँ पे आपको ड्यूटी भी दे दी, डिस्चार्ज दे दिया क्यूमेक और अपन एरिया निकाल लिए, तो इसको डिवाइड करेंगे दोनों को तो आपको क्या आ जाएगा, हेक्टेयर पर क्यूमेक में आ जाएगा और आपकी ड्यूटी आ जाएगी। तो आपको समझना है यहाँ पे यूनिट से, ठीक है। आपको डेज भी दे दिया है, बेस पीरियड आपको दे दिया है, बेस पीरियड का कोई इस्तेमाल नहीं है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। बेस पीरियड का कोई भी इस्तेमाल नहीं है, सिंपल आपको बहकावे के लिए दे दिया गया है। तो यहाँ पे अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं, इसका डिस्चार्ज दे दिया था, हमको निकाला था ड्यूटी। हमने क्या किया, टोटल जो हमारा एरिया है कल्चरेबल कमांडेड एरिया है रबी क्रॉप के लिए जो कि 80% अपन निकाले हैं, उस एरिया से 20 का डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, ड्यूटी, लेफ्ट कैनाल का ड्यूटी आ गया कितना, 800 हेक्टेयर पर क्यूमेक आ गया। वैसे अपन क्या निकालेंगे, फॉर द राइट कैनाल एरिया अंडर रबी क्रॉप, यहाँ पे दिया था राइट कैनाल के लिए कल्चरेबल कमांडेड एरिया दिया था 12,000 हेक्टेयर, उस 12,000 हेक्टेयर में 50% भागों पे रबी क्रॉप उगाई जा रही थी। तो क्या हो जाएगा, 12,000 का 50% निकालेंगे तो 6,000 हेक्टेयर आ जाएगा और राइट कैनाल का डिस्चार्ज दिया था 8 क्यूमेक, ठीक है। राइट कैनाल का डिस्चार्ज कितना दिया था, 8 क्यूमेक, यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड पे, ठीक है, मेरे जस्ट ऊपर आपको दिख रहा होगा, 8 दिख रहा होगा, ठीक है। तो 8 क्यूमेक यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिंपल 6,000 हेक्टेयर डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, ड्यूटी आ जाएगी 750 हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो आप देख सकते हैं किस कैनाल की जो ड्यूटी है वो हाई है, 800 ज्यादा होता है कि 750 ज्यादा होता है, मतलब यहां पे देख सकते हैं 800 ज्यादा है तो यहां पे लेफ्ट कैनाल की ड्यूटी हाई है, ठीक है। यहीं पे वो चीज लिखा हुआ है, सिंस द लेफ्ट कैनाल सिस्टम हैज अ हायर ड्यूटी इट इज मोर इफिशियंट, मतलब यहां पे हमको निकालना था लेफ्ट कैनाल ज्यादा इफिशियंट है कि राइट कैनाल ज्यादा इफिशियंट है, मतलब ज्यादा इसकी ड्यूटी किसकी है, तो लेफ्ट कैनाल की ड्यूटी ज्यादा है मतलब ये ज्यादा इफिशियंट है, ठीक है यहाँ तक का। इसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूँ, अभी तो अपन ड्यूटी डेल्टा वाला देख लिए, डेल्टा ड्यूटी बेस पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इससे और सिंपल क्वेश्चन है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे और सिंपल सा क्वेश्चन, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एग्जाम्पल 2.3 में देखेंगे, फाइंड द डेल्टा फॉर अ क्रॉप व्हेन इट इज ड्यूटी इज 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक ऑन फील्ड द बेस पीरियड ऑफ द क्रॉप इज 120 डेज। आपको क्या दिया, क्या दे दिया यहाँ पे, क्रॉप पीरियड दे दिया है, क्या दिया है आपको यहाँ पे, ड्यूटी दिया कि नहीं, यहाँ पे आपको ड्यूटी मिल गया है और यहाँ पे आपको बेस पीरियड मिल गया है। हमको क्या निकालना है, डेल्टा निकालना है, सेम टू सेम पहले अपन क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ वाले, सिंपल आप रखोगे यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 8.64 B/D इन मीटर्स, या आप लिख सकते हैं 864 β/d इन सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डायरेक्ट सेंटीमीटर लिखे हैं, 864 120 बटे 864 करोगे तो कितना आ जाएगा, इस खेत की कितनी डेल्टा आ रही है, 120 सेंटीमीटर, मतलब जो आपको दिख रहा है 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक में 120 दिन तक अपने को टोटल कितना डेप्थ ऑफ वाटर प्रोवाइड करना है, 120 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर हमको प्रोवाइड करना है, क्लियर है यहाँ तक का। तो ये था आपका सिंपल सा क्वेश्चन, और देखते हैं कुछ, ठीक है, देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है और यहाँ पे बिना फॉर्मूला का एक क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ोगे और आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं एग्जांपल 2.1, इफ राइस रिक्वायर्स अबाउट 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर, कितना, अगर एक चावल के जो आपका धान का जो खेत है, हमारा धान का जो खेत है उसे 10 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए रहता है, एवरेज इंटरवल ऑफ 10 डेज, हर 10 दिन में उसे 10 सेंटीमीटर वाटर चाहिए, तो 120 दिन में कितना डेल्टा उसको लगेगा, कितना डेप्थ ऑफ वाटर से लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। एंड द क्रॉप पीरियड फॉर राइस इज 120 डेज, फाइंड आउट द डेल्टा फॉर राइस। अगर किसी खेत को 10 दिनों में 10 सेंटीमीटर की
डेप्थ ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। तो 120 दिन में कितना होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा है कि अगर किसी खेत को, ठीक है यहाँ पे राइस की बात हो रही है, मैं सिंपल से बात कर रहा हूँ, अगर किसी खेत को 10 दिन में 10 सेंटीमीटर वाटर लगेगा तो 120 दिन में कितना सेंटीमीटर वाटर लगेगा, मतलब कितना डेल्टा लगेगी उसकी, तो कितना हो जाएगा, एक 10 दिन में 10 सेंटीमीटर तो 120 दिन में 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 12 × 10 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। सिंपल अपन क्या कर सकते हैं, पढ़ के भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ही पढ़ के समझने वाला क्वेश्चन है ये, इफ वीट रिक्वायर्स अबाउट 7.5 सेंटीमीटर आफ्टर एवरी 28 डेज एंड द बेस पीरियड ऑफ वीट इज 140 डेज, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा फॉर वीट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक जो गेहूं की खेती है, ठीक है, उसे 28 दिन में 750 मतलब 7.5 सेंटीमीटर वाटर लगता है, कितने दिन में, 28 दिन में। क्लियर है यहां तक क्या बोल रहा हूं, एक जो वीट की खेती है उसे 28 दिन में 7.5 सेंटीमीटर वाटर लगता है, तो हमें निकालना है 140 दिन में उसे कितना डेप्थ ऑफ वाटर लगेगा। ठीक है भाई, अपने को डेल्टा निकालना है, समझ सकते हैं। तो सिंपल हमको क्या निकालना है, कितने स्टेप में पानी डलेगा, 28 दिन में 7.5 सेंटीमीटर पानी डल रहा है तो 140 डेज में कितना पानी डलेगा, वही निकालना है अपने को। तो सिंपल अपने क्या करेंगे, कितने स्टेप में, मतलब 28 दिन का कितना हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 140 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं, सिंपल आप करेंगे क्या, 140 डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ वाटरिंग करेंगे अपन। कितने नंबर ऑफ वाटरिंग करेंगे, मतलब एक बार वाटरिंग की अपन 28 डेज में, तो 7.5 सेंटीमीटर आ गया, 7.5 सेंटीमीटर का वाटरिंग करेंगे, वैसे ही अपन कितने टाइम्स ऑफ वाटरिंग करना पड़ेगा ताकि 140 डेज में अपन टोटल डेप्थ ऑफ वाटर निकाल सकें। तो 140 डिवाइडेड बाई 28 करेंगे तो 5 नंबर्स ऑफ वाटरिंग आ जाएगा, और आप 7.5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल 140 डेज में डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन सिंपल पढ़ के भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ गए, 28 किसी खेत को 28 दिनों में 7.5 सेंटीमीटर डेल्टा मतलब डेप्थ ऑफ वाटर की आवश्यकता है, तो 140 डेज में टोटल डेप्थ कितना होगा, तो वही किए अपन, 28 टोटल 140 डेज है, तो 140 डेज में कितने टाइम्स ऑफ वाटरिंग करना पड़ेगा, 5 टाइम्स वाटरिंग करना पड़ेगा, 5 टाइम कितना वाटरिंग करना पड़ेगा, 7.5 सेंटीमीटर का, मतलब हर वाटरिंग 7.5 सेंटीमीटर का वाटरिंग है, तो 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा, ये 37.5 सेंटीमीटर अपने को टोटल ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आपका क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ रहता है, बस पढ़ना है और उसे अपने को समझना है। ठीक है, तो ये ड्यूटी एंड डेल्टा का इतना क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारा आज पूरा किस में गया, आज 8 पॉइंट्स आपका ड्यूटी एंड डेल्टा रिलेशनशिप में गया। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, पढ़िए इस चीज़ को, अच्छे से याद होना चाहिए, एकदम मैं सोते सोते आपसे पूछूंगा कि ये इसका ड्यूटी एंड डेल्टा रिलेशन क्या होता है, तो आपको सिंपल आग बन के बताना है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 8.6 पर बी बाई डी, 8.6 पर बी बाई डी, एकदम याद होना चाहिए कंठस्थ। ठीक है, बीटा बेस पीरियड क्या है, बी है, डी क्या है, ड्यूटी ऑफ वाटर है, और डेल्टा क्या है, डेप्थ ऑफ हमारा वाटर है, कितना डेप्थ ऑफ वाटर चाहिए। तो हमारा ये फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका, मैक्सिमम टाइम हमारे एग्जाम में आता है और आपका कंपटीशन में भी इसका एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ आपको याद रखना है कि डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है, 8.64 बी बाई डी मीटर्स में, और यही सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी बाई डी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।